नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं पड़ताल। बिहार इस समय कोविड-19 और बाढ़ के दोहरे संकट से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन लागू किया गया है। दूसरी ओर राज्य में एक दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर अस्पताल के एक वार्ड की तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि वार्ड में दोनों तरफ मरीजों के बिस्तर लगे हैं जिन पर मरीज बैठे हैं और एक वार्ड के पूरे फर्श पर पानी भरा हुआ है। तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि स्थिति में बिहार में कोविड-19 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध है कि बिहार की बिगड़ती चिकित्सा सुविधाओं को लेकर हस्तक्षेप करें। जहां बिना इलाज के कोरोना मरीजों की मौतें हो रही हैं, दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार की टेस्टिंग संख्या भी बहुत कम है। जब दावे की पड़ताल की तो हमने पाया कि तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है। ये तस्वीर बिहार की नहीं है बल्कि हैदराबाद की है। वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमने पाया कि द रहनुमा डेली नाम की एक न्यूज वेबसाइट है, वहां ये तस्वीर अपलोड की गई थी। इस खबर में बताया गया कि कैसे हैदराबाद के ऐतिहासिक उस्मानिया जनरल अस्पताल में बारिश और जल निकासी का पानी भर गया था। इस खबर में तस्वीर के साथ न्यूज एजेंसी IANS को क्रेडिट दिया गया है। कैप्शन में लिखा है, हैदराबाद के ऐतिहासिक उस्मानिया अस्पताल में भरा पानी। हमने पाया कि न्यूज एजेंसी IANS ने 15 जुलाई को यह तस्वीर ट्वीट की थी। खबरों के मुताबिक भारी बारिश के बाद उस्मानिया जनरल अस्पताल के ICU समेत 6 वार्ड्स में सीवेज का पानी भर गया था। उस्मानिया अस्पताल को कोविड-19 की जांच और इलाज का सेंटर बनाया गया है। हालांकि ये भी सही है कि इन दिनों बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है जिसकी वजह से गंभीर स्थितियां बनी हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ की कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक बिहार के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और राज्य के कई हिस्सों में आने जाने के लिए लोग नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार उन राज्यों में भी है जहां कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर पड़ताल से साफ है कि बिहार इस समय कोरोना वायरस के साथ साथ बाढ़ की समस्या भी झेल रहा है, लेकिन पानी भरे अस्पताल के वार्ड की तस्वीर बिहार की नहीं हैदराबाद की है। आपके लिए ये स्टोरी की थी मेरी साथी ज्योति द्विवेदी ने। पड़ताल अब सोशल मीडिया पर भी है। आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, हैंडल है पड़ताल_LT। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पड़ताल पेज को लाइक जरूर करें। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो पड़ताल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप तक कोई भ्रामक जानकारी पहुंच रही हो तो हमें WhatsApp या मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। शुक्रिया।